महानगर पालिका की तरफ से प्राइवेट संस्था द्वारा स्कूल में पहुंचाई गई खिचड़ी खाने से एक स्कूल के 28 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सभी बच्चे खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह बच्चों को खिचड़ी दी गई। खिचड़ी खाने के बाद बच्चों को उल्टी और सीने में जलन होने के कारण 28 बच्चों को नजदीक के कोकण अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन सब का इलाज चल रहा है। वहीं बच्चों के परिजनों में भी भय का वातावरण बना हुआ है। ये कौन आता है? चंद्रबिश पानी का स्कूल स्टूडेंट को लेके आए उन्हें ही अब जो पेट में जनरल सेंसेशन था, हिली ने जैसा सिम्टम था, जब पूछा तभी उन्होंने बताया कि जो शारीरिक पोषण आहार दिया जाता है बच्चों को उसमें से वो खाने के बाद ये सब सिम्टम चालू है। जैसे बच्चा आने के बाद हमने इनिशियल असेसमेंट सब चालू किया। अभी बच्चे स्टेबल इनिशियल असेसमेंट के साथ बड़ा कॉम्प्लिकेशन अंदर ऑब्जर्वेशन 27 29 आतापर्यंत 32 विद्यार्थी या ठिकाणी ऍडमिट केलेले आहेत आणि प्राइमोफिजी फूड पॉइजनिंग झालं असं डॉक्टर सांगतो। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी शाळेमध्ये आमचे पोलीस स्टेशनचे लोक आणि संबंधित बीएमसीचे अधिकारी करत आहेत। त्यामध्ये प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी झाल्यावरच माहिती मिळेल नेमकं कशामुळे झालं। सर आता त्या खिचडी जी आहे ती तपासण्यासाठी काही पाठवण्यात आलेली आहे? सगळी प्रोसिजर सुरू आहे इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये। सॅम्पल घेऊन आणि जे काही शाळेमध्ये सॅम्पल मिळालेलं आहे त्याचे लॅबोरेटरीसाठी टेस्टिंग करून पाठवण्यात येईल। सर कितने बच्चे लोग अभी तक एडमिट हुए और क्या लग रहा है कि किससे ये हो चुका है? बाल विकास मंदिर वो स्कूल है यहाँ पर, उसमें कुछ 32 स्टूडेंट्स को पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग हुआ ऐसा प्राइम ऑफिस ही बताया गया है। हॉस्पिटल में सभी एडमिट है, अभी डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स स्कूल में है और यहाँ पर हॉस्पिटल में भी इंक्वायरी शुरू है। सर क्या वो जो सैंपल है खिचड़ी का वो सब भेजा गया है क्या? सभी प्रोसीजर शुरू है, सैंपल सीज करना और बाकी इंक्वायरी करने का प्रोसीजर। एकंदरीत किती विद्यार्थी आहेत आणि कशातून ही झालेली आणि कशा पद्धतीची कारवाई सुरू केलेली आहे? एकूण आतापर्यंत 32 विद्यार्थी या ठिकाणी ऍडमिट केलेले आहेत आणि प्राइमोफिजी फूड पॉइजनिंग झालं असं डॉक्टर सांगतो। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी शाळेमध्ये आमचे पोलीस स्टेशनचे लोक आणि संबंधित बीएमसीचे अधिकारी करत आहेत। त्यामध्ये प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी झाल्यावरच माहिती मिळेल नेमकं कशामुळे झालं। सर आता त्या खिचडी जी आहे ती तपासण्यासाठी काही पाठवण्यात आलेली आहे? सगळी प्रोसिजर सुरू आहे इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये। सॅम्पल घेऊन आणि जे काही शाळेमध्ये सॅम्पल मिळालेलं आहे त्याचे लॅबोरेटरीसाठी टेस्टिंग करून पाठवण्यात येईल। सर कितने बच्चे लोग अभी तक ऍडमिट हुए और क्या लग रहा है कि किससे ये हो चुका है? बाल विकास मंदिर वो स्कूल है यहाँ पर, उसमें कुछ 32 स्टूडेंट्स को पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग हुआ ऐसा प्राइम ऑफिस ही बताया गया है। हॉस्पिटल में सभी एडमिट है, अभी डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स स्कूल में है और यहाँ पर हॉस्पिटल में भी इंक्वायरी शुरू है। सर क्या वो जो सैंपल है खिचड़ी का वो सब भेजा गया है क्या? सभी प्रोसीजर शुरू है, सैंपल सीज करना और बाकी इंक्वायरी करने का प्रोसीजर शुरू।